समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ने अपने निधन की खबर का खंडन करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, टाइगर अभी जिंदा है। अमर सिंह की मौत की खबर सोशल मीडिया पर थी। उसके कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर अमर सिंह का वीडियो आया। अमर सिंह ने लिखा कि वे सिंगापुर में हैं, जहां एक सर्जरी होना है, इसके बाद वे भारत लौट आएंगे। अमर सिंह के निधन की अफवाह पहली बार 2 मार्च को उड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शुभचिंतक उनके मरने की दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन वे जिंदा हैं। अमर सिंह के वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं। लोग उनके जल्दी सेहतमंद होने की कामना भी कर रहे हैं। सिंगापुर से मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ, रुग रुग हूँ, त्रस्त व्याधि से, लेकिन संतरस्त नहीं। हिम्मत बाकी है, जोश बाकी है, होश भी बाकी है। हमारे शुभचिंतक और मित्र ये अफवाह बड़ी तेजी से फैलाए हैं कि यमराज ने मुझे अपने पास बुला लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा इलाज चल रहा है और माँ भगवती की इच्छा हुई तो अपनी शल्य चिकित्सा के उपरांत शीघ्रातिशीघ्र दुगनी ताकत से मैं वापस आऊंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।